जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। हम आपको हमेशा मोटिवेशनल ज्योतिष और पॉजिटिव ज्योतिष आपको हमेशा बतलाते हैं। उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज आपके स्टूडियो में कि मुसीबत में हो तो क्या करें। देखिए दोस्तों, ग्रह की जो चाल है अप एंड डाउन होती रहती है। आपकी कुंडली के ग्रह और वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आपके वर्तमान समय को दर्शाता है। सीधे शब्दों में ये कहूँ कि आपकी कुंडली में यदि मान लीजिए शुक्र सातवें हाउस में बैठा है और अभी भी शुक्र सातवें हाउस में अगर आ चुका है तो आपको बहुत लाभ होगा। किस भाव में है इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वही जो कंडीशनें हैं, शनि की साढ़े साती ढैया, ये जो कंडीशनें हैं ये हमें परेशानियों में, तकलीफ़ों में और कई सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन आपकी ख़राब हो तो अब क्या करेंगे? पहली और मुख्य बात है धैर्य रखें, वाणी पर विराम रखें और धैर्य रखें। क्योंकि दोस्तों, ऐसे हालातों में वाणी पर विराम भी थम जाता है और वाणी पर विराम के साथ साथ जो हमारा मानसिक स्थिरता है वो भी डगमगा जाती है। वो आप नहीं करते हैं, वो ग्रह करवाते हैं, लेकिन दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो पहली और मुख्य चीज़ है आपको धैर्य रखना है, शांति रखना है। दूसरी बात है कि बहुत बार आपसे कुछ गलत करवाया जाता है, वो पूरा एकदम साजिश होती है। हम तो केवल एक मोहरे होते हैं, हम यंत्र पर बैठे हुए हैं और उस यंत्र चलता है, हम वो करते जाते हैं। तो हम उस यंत्र पर बैठे हैं इसलिए हम खुद ऑब्जर्व करें तो हम हमारे विवेक से इन चीज़ों का जाने। पहली बात कहना चाहता हूँ कि धैर्य, आपको धैर्य रखना है और धैर्य जो है वो वाणी पर, कार्यों पर और क्रोध पर। होता यह है कि जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें घटित हो सकती हैं। इसलिए दिमाग को कंट्रोल में रखें, सावधानी से रखें। जो व्यक्ति जो बोल रहा है सिर्फ सुनिएगा आप, आपका काम सिर्फ सुनना है उस समय, क्योंकि वक्त ख़राब है। आप अगर क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे तो तकलीफ़ आपके लिए बढ़ेगी। प्रतिक्रिया ज़रूर करेंगे लेकिन वेट एंड वॉच करने के बाद। दूसरी बात है आर्थिकता, जो धन है बचा हुआ उसे संरक्षित रखने की पहली कृपा करें। मान लीजिए नहीं है तो कोशिश करिए नए सोर्स पैदा करने की, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रह खराब होते हैं, जिन भी ग्रहों को आप अगर सही लाइन में लाना चाहते हैं, तो भोलेनाथ की सेवा करिएगा। रोज़ शिवालय जाएँ, दर्शन करें, जल चढ़ाएँ, केवल जल चढ़ाइएगा, बिलपत्र चढ़ाइएगा, जल चढ़ाइएगा कंटिन्यू दो वक्त, 15 दिन 20 दिन, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो 9 ग्रह हैं, अगर ग्रहों की वजह से, और ग्रहों की वजह से ही सब कुछ होता है, तो वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने जगह पर सही हो जाएगी। जो बचा है वो तो बच जाएगा, जो नहीं बचा उसके लिए तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बचा है वो बच जाएगा। तो सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, ईश्वर का नाम हमेशा लेते रहें, यही एकमात्र है जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। और धैर्य रखें और अपने दिमाग को तेज रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।